इस वीडियो में हम आरपीएफ एसआई एंड कॉन्स्टेबल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। आरपीएफ ने आप कैंडिडेट्स के लिए एक नोटिस आउट किया है। अब क्या है उस नोटिस में, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। सो आरपीएफ ने आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे फिर आप एसआई के कैंडिडेट्स हो या कॉन्स्टेबल के कैंडिडेट्स हो, सभी के लिए एक कॉमन नोटिस यहाँ पर आउट किया है, जिसके अंदर कहा गया है अगर आपने अपना फॉर्म फिल करते वक्त अगर आपने अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो अपलोड किए उसमें कोई गलती कर दी है या सिग्नेचर में कोई गलती कर दी है तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या किसी भी एग्जाम का हो, अगर आपके सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फोटो में कोई गलती होती है तो डायरेक्ट आपको जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट लिस्ट के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन आरपीएफ यहां पर आपको एक चांस दे रही है, एक मौका दे रही है अपनी गलती सुधारने का। अगर आपने भी फॉर्म फिल करते वक्त अपनी फोटो में या सिग्नेचर में कोई गलती कर दी है तो 15 जून से लेकर 17 जून तक आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जा रहा है। उस लिंक से आप क्या कर सकेंगे, अपनी फोटो को और सिग्नेचर को दोबारा से रीअपलोड कर सकते हैं, दोबारा से उसको ठीक कर सकते हैं। सो अगर आपकी भी फ़ोटो और सिग्नेचर में कुछ गलती है तो आप 15 तारीख से आप लॉगिन कीजिएगा आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर, आपके जो भी यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डाल के, और जैसे आप वहां पर डालेंगे तो आपको मॉडिफिकेशन और फॉर्म करेक्शन का या एडिट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहां से जाकर आपका जो फॉर्म है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को वहां पर अपडेट कर सकते हैं। सो अगर आपकी गलती हुई है, आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने से अगर आपको बचाना है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 15 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में 110% आप अपने जो फ़ोटो सिग्नेचर या कोई और डिटेल गलत हो गई है उसको आप यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। बस यही एक बड़ी अपडेट थी आपके लिए। सो इस डेट को आप सेव कर लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा अगर आपने गलती की है तो। सो एक बड़ी अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा, नमस्कार।